हेलो फ्रेंड्स, सॉरी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आज आप सभी को तत्सम और तद्भव पढ़ाऊंगी। आजकल मैं आपको आरओ एआरओ के स्पेशल क्लासेस चला रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आरओ एआरओ वाले ही इसको देखेंगे, इस वीडियो को। आजकल जो भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन है, कॉन्स्टेबल हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो सभी उन सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो है फायदेमंद होगा। तो आजकल मैं आज आपको तत्सम और तद्भव शब्द बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको विलोम बताया था, क्योंकि विलोम भी आपका आरओ एआरओ में एक मुख्य पॉइंट है, एक मुख्य टॉपिक भी है। इसके पहले भी मैंने आपको ढेर सारे वीडियो दिए, जैसे कि समास के कई वीडियोस दिए हैं, समास, अलंकार इत्यादि सभी टॉपिक्स को मैंने बताया है। आज मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द बताऊंगी, लेकिन तत्सम और तद्भव शब्द बताने से पहले मैं आपके उत्सुकता का निवारण जरूर कर देना चाहूँगी। आप सभी के मन में ये आता है कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आनी ही चाहिए। सामने वाला कौन है जो पढ़ा रहा है या जिसकी वीडियोस आप देख रहे हैं, वो आखिर है कौन? आम बात है, आपके मन में जरूर ये सवाल आता होगा। तो मैं आज बता ही देती हूँ, मैं एक डिग्री कॉलेज की लेक्चरर हूँ, डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ और सीनियर लेक्चरर हूँ। तो बस आज हम लोग अपना वीडियो देख लेते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तत्सम यानी कि तत्सम में आपका स आ रहा है, यानी कि संस्कृत का शब्द। तत्सम आपका संस्कृत का शब्द होता है और तद्भव आपका देशज शब्द होता है, या जिसे आप हम सभी आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वो आपका तद्भव होता है। तो तत्सम यानी कि संस्कृत, तत्सम एकदम बिल्कुल शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है, संस्कृत का बना शब्द है। और तद्भव आपका है तो संस्कृत का ही शब्द, लेकिन कई बार प्रोसेस में होते होते हैं, यानी कि संस्कृत के बाद वो आपका पाली बना, पाली के बाद फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, आते आते उसका रूप बिगड़ गया, तो वो आपका बन गया तद्भव शब्द। तो आज आइए देख लेते हैं हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा आप, तत्सम यानी कि संस्कृत का और तद्भव यानी कि देशज या आम भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। आज मैं आपको ढेर सारे तत्सम और तद्भव शब्दों को बताऊंगी। तो आइए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। तद्भव शब्द क्या है, पहले हम देखते हैं तद्भव और तत्सम। तद्भव यानी कि आँख, आम भाषा में हम आँख कहते हैं आँख को, लेकिन इसका संस्कृत शब्द यानी कि शुद्ध शब्द क्या होता है, अक्षी। यानी कि अक्षी आपका तत्सम शब्द है और आँख आपका तद्भव। आंत, आंत आपका तद्भव शब्द है और आंत्र, आंत्र आपका तत्सम यानी कि शुद्ध शब्द है। आँच, आँच आपका तद्भव शब्द है और अर्ची, अर्ची तत्सम। आंशु, आंशु आपका ये तद्भव है और अश्रु तत्सम। आंवला, आंवला तद्भव है और आमलक तत्सम। अंधेरा, अंधेरा आपका तद्भव शब्द है और अंधकार ये आपका तत्सम। अंगरखा, अंगरखा का तत्सम होता है अंगरक्षक। अंगूठा, अंगूठे का तत्सम है अंगुष्ट। अंगुरी या अंगुली हम लोग यूज करते हैं, अंगुरी भी कहते हैं और अंगुली भी कहते हैं, इसका आपका तत्सम होता है अंगुली। अखरोट, अखरोट का तत्सम या शुद्ध शब्द है अक्षोट, यानी कि अक्षोट मीन्स अखरोट। आपका अखरोट ये देशज भाषा है, देशज भाषा में आम भाषा में हम लोग अखरोट कहते हैं, लेकिन इसका संस्कृत शब्द यानी कि शुद्ध अक्षोट होता है। अदरक, अदरक का तत्सम शब्द होता है आद्रक। असीस, असीस ये असीस का ये देशज शब्द है, असीस, असीस देना, तो ये आपका तद्भव है और इसका शुद्ध यानी कि तत्सम होता है आसीस। अमी या अमीय ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है अमृत। अटारी, अटारी तद्भव है और अटारी यानी कि छत, अटारी तद्भव है और इसको संस्कृत में अट्टालिका कहा जाता है या इसका अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। अस्तुति, अस्तुति का तत्सम होता है स्तुति। अहिर, अहिर का
तत्सम होता है आभीर। अक्षत, अक्षत का तत्सम होता है अक्षत। अचरज, अचरज का तत्सम आश्चर्य। अगुआ, अगुआ का तत्सम होता है अग्रणी। अमचूर, अमचूर ये देशज भाषा है यानी कि तद्भव है और इसका तत्सम होता है आम्रचूर। आग, आग का तत्सम यानी कि शुद्ध अग्नि होता है। अंश, अंश का शुद्ध होता है अंश। ये आपका तालव्य श यानी कि श, अंश का अंश होता है। उसके बाद आपका अमोल, अमोल यानी कि अमोल का आपका शुद्ध रूप यानी कि तत्सम होता है अमूल्य। उसके बाद अक्षर, 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 अक्षर का आपका शुद्ध रूप होता है या तत्सम अक्षर होता है। उसके बाद अकेला, अकेला का तत्सम है एकल। अगम, अगम का तत्सम होता है अगम्य। अनथ, अनथ, अनथ का तत्सम होता है अन्यत्र। अढ़ाई, अढ़ाई का तत्सम होता है अर्ध तृतीय। आषाढ़, आषाढ़ का तृतीय तत्सम होता है आषाढ़ यानी कि आषाढ़ आपका शुद्ध शब्द नहीं है, ये देशज भाषा है जिसे हम आम जनजीवन में प्रयोग करते हैं। आषाढ़ बोलते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, आषाढ़ का चल रहा है, लेकिन होता क्या है, शुद्ध है आषाढ़ होता है, आषाढ़। आलस, आलस, बहुत आलस आ रहा है, ये आपका देशज शब्द है यानी कि तद्भव है और इसका शुद्ध क्या होता है, आलस्य। आंचल, आंचल का जो शुद्ध रूप होता है वो अंचल होता है। आसरा, आसरा का शुद्ध रूप होता है आश्रय यानी कि आसरा मिल गया, ये आपका देश शब्द है यानी तद्भव है और आश्रय, आश्रय मिल गया ये आपका शुद्ध शब्द है। आम, आम, आम आपका तद्भव है और आम्र, आम्र आपका शुद्ध शब्द यानी कि तत्सम है। और इतवार, इतवार, इतवार आपका तद्भव शब्द है, हम लोग बोलते हैं इतवार का दिन है आज, लेकिन होता क्या है, आदित्यवार यानी कि तत्सम शुद्ध जो है वो आदित्यवार है। इलायची, इलायची का तत्सम या शुद्ध होता है एला, एला मीन्स इलायची। इमली, इमली का शुद्ध होता है अम्लिका। इकतीस, इकतीस का शुद्ध है एक त्रिंसत, ये आपका जो एक त्रिंसत है ये इकतीस है, ये संस्कृत का शब्द है त्रिंसत यानी कि तीस होता है, त्रिंसत बिंसत यानी कि बीस होता है, त्रिंसत में आपका एक जुड़ गया तो हो गया इकतीस यानी कि तीस और एक इकतीस, इकतीस यानी कि इकतीस का आपका शुद्ध या तत्सम होगा एक त्रिंसत। इक्कीस यानी कि एक विंसत यानी कि इक्कीस। इकट्ठा, इकट्ठा का आपका तत्सम होता है एकत्र। ईंट, ईंट का आपका तत्सम ईशिका। ईंधन, ईंधन का ईंधन। ईख, ईख का तत्सम होता है इक्षु। ईर्षा, ईर्षा या ईर्खा, ईर्खा का होता है ईर्ष्या या जलन यानी कि ईर्षा का होता है ईर्खा का ईर्ष्या। उबालना, उबालना यानी कि उद्वालन या आपका शुद्ध उबालना, आम भाषा में उबालना देश शब्द है उबालना, लेकिन इसका वास्तविक या शुद्ध शब्द क्या होता है, उद्वालन। उछाह, उछाह यानी कि इसका तत्सम होता है उत्साह। उबटन, उबटन का आपका तत्सम होता है उद्वर्तन। उगना, उगना का तत्सम होता है उद्गत। उपास, उपास का आपका शुद्ध होता है उपवास। दोस्तों एक और चीज, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगाना है, आप थोड़ा सा रट सकते हैं, इसको रट याद कर सकते हैं, याद करने से वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी और बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आम भाषा वाला जो आपका है या जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लगातार आम लाइफ में या अपने जनजीवन में उपयोग कर रहे हैं वो आपका तद्भव होता है, तद्भव। और जो संस्कृत का होता है वो शुद्ध होता है, वो शुद्ध यानी कि शुद्ध रूप होता है। तो ऊन, ऊन आपका हम लोग ऊन कहते हैं,
ऊन यानी कि हमारा तद्भव है, और इसका शुद्ध क्या होता है, उड़ा। उड़ा मीन्स ऊन, यानी कि उड़ा आपका तत्सम शब्द है। ऊट, ऊट, ऊट का आपका तत्सम शब्द उट्र होता है। उट्र, उट्र यानी कि ये आपका संस्कृत का शब्द है उट्र। तो उट्र मीन्स ऊट, उट्र आपका तत्सम है। उखल, उखल का तत्सम होता है उद्खल। ऐशा, ऐशा का तत्सम होता है इद्रिस, यानी कि ये आपका, ये सब जो है सब संस्कृत का शब्द है। ओझा, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। ओठ, ओठ का तत्सम होता है ओष्ठ। ओष, ओष का तत्सम होता है अवश्याय। ओखली, ओखली का ओलखल। औंधा, औंधा का अवमूर्ध। ओला, ओला का होता है उपल। और का आपका तत्सम क्या होता है, अपरम। केला, केला का कदली बहुत ज्यादा ये आता है, केला यानी कि इसका जो संस्कृत या शुद्ध होता है तत्सम वो कदली। कान, कान यानी कि तत्सम कृष्ण। कपूर का आपका ये तत्सम होता है कर्पूर, ये भी बहुत ज्यादा आता है। कंधा, कंधा का आपका तत्सम होता है स्कंद। कछुआ, कछुआ का कच्छप होता है। सब संस्कृत शब्द हैं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, जितने संस्कृत के हैं सब तत्सम हैं। करोड़, करोड़ का आपका तत्सम होता है क्रोटी। कबूतर, कबूतर का तत्सम होता है कपोत, यानी कि ये संस्कृत है। कबूतर, कबूतर का आपका तत्सम होता है कपोत। कुदारी, कुदारी का होता है कुदाल। कोड़, कोड़ का होता है कुष्ठ। केश, केश का होता है केश। कपास, कपास का होता है कर्पास। कुम्हार, कुम्हार का होता है कुंभकार। तो इसलिए आपने देखा कि सब संस्कृत वाले जो है तत्सम है। इसमें कोयल, कोयल को संस्कृत में कोकिल भी कहा जाता है और कोकिला भी कहा जाता है, यानी कि कोयल का आपका तत्सम होगा कोकिल या कोकिला। कहार, कहार का आपका तत्सम होता है स्कंद भार। कंगन, कंगन का तत्सम कंकड़। कंकड़ मीन्स आपका ये तत्सम है। कटहल, कटहल का होता है कंठफल। कचहरी, कचहरी का कृत्य गृह। कहाँ, कहाँ कुत्रस्थ। कड़ुआ, कड़ुआ कटुक या कटु दोनों होता है, कटुक और कटु, कड़वा का ये दोनों। कहानी, कहानी का कथानिका। कपड़ा, कपड़ा का तत्सम करपट होता है। कांच, कांच का ये आपका तत्सम काच होता है। कपूत, कपूत का कुपुत्र होता है। कूदना, कूदना का आपका ये तत्सम होगा कुर्दन। कौवा, कौवा का दो चीजें हो सकती है, काक और काक, ये दोनों आपका तत्सम है कौवा का। क्यारी, क्यारी का तत्सम या शुद्ध रूप होता है केदारी का। कान, कान का तत्सम कर यानी संस्कृत। कुआं, कुआं का होता है कूप। कूप में कुआं यानी कि शुद्ध कुआं का शुद्ध रूप जो है वो कूप होता है। खेत, खेत का शुद्ध रूप होता है आपका क्षेत्र। खीर, खीर का आपका जो शुद्ध होता है या तत्सम होता है वो क्षीर होता है। क्षीर मीन्स ये आपका क्षेत्र। खेर, खीर का यानी कि क्षीर। खेल, खेल का होता है तत्सम खेला। और खुर, खुर का छुर होता है। खा, खाट का होता है तत्सम खटवा। खोदना, खोदना का छोदन। खंडहर, खंडहर का होता है खंड गृह। और उसका खत्री, खत्री बहुत लोग कहते हैं वह खत्री हैं या खत्री जाति के हैं या खत्री वर्ग है इनका। खत्री का मतलब होता है सतत्सम क्षत्रिय, यानी कि पहले तो क्षत्रिय रहा लेकिन बिगड़ते बिगड़ते इसका रूप बिगड़ गया और खत्री लोग कहने लगे। खजूर, खजूर का जो तत्सम होता है वो खरजूर होता है। खार, खार बहुत पानी बहुत खारा है
यानी कि खार का ये जो तत्सम होता है वो क्षार होता है। तो ये आपका, ये रहा आपका तत्सम और तद्भव शब्द। अभी बहुत से तत्सम और तद्भव शब्द बचे हुए हैं जिनको एक वीडियो में दे पाना पॉसिबल नहीं था, तो जो बचा हुआ है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, और नोट्स बनाना अच्छी बात है, वीडियोस आप देख रहे हैं फायदे उठा ले रहे हैं अच्छा है, लेकिन नोट्स जरूर बना लें, आपके लिए हमेशा काम आएगा, आपको भी काम आएगा, प्लस आपके जो रिलेटेड होंगे उनके भी काम आएगा फ्यूचर में। तो मैं हट जा रही हूँ, आप लोग वीडियो से एक पॉज करके अपना ले लीजिए, और ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए, कमेंट भी दीजिए मुझे और शेयर भी कर लीजिए। तो बाय बाय।